2018 के चुनाव से ठीक पहले पूर्व सीएम दिग्विजय ने नर्मदा यात्रा की थी। अब 2023 के चुनाव नजदीक हैं और दिग्विजय फिर यात्रा पर निकल चुके हैं। यह यात्रा पूरे प्रदेश की है। 17 फरवरी से दिग्विजय सिंह ने अपनी सियासी यात्रा का आगाज बैरसिया पहुंचकर किया। अब एमपी की सियासत के चाणक्य दिग्विजय सिंह यात्रा करें और उसके मायने ना निकाले जाएं, भला ये कैसे हो सकता है? उनकी इस भूमिका को 2018 वाली भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि वो चुनाव के लिहाज से दिग्विजय का इस्तेमाल पूरे प्रदेश में करेगी। हम अपना संगठन पूरे राज्य में बना चुके हैं और संगठन अब कदम ताल कर रहा है। इसके बाद पूरा संगठन चुनाव आते ही और उसके पहले पूरी मैदानी जंग में जाने के लिए तैयार है। ये पहली बार है इन 20 सालों में जबकि हम बहुत बड़े संगठन के साथ बीजेपी से लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। आज भी वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बराबर लोकप्रिय हैं और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और वो दो ऐसे नेता हैं कि जो पूरे चुनाव पर प्रभाव डालने वाले हैं। दिग्विजय की सियासी यात्रा आने वाले 8 महीनों तक प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इस दौरान पूर्व सीएम मंडलम सेक्टर सहित कई मोर्चों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इधर बीजेपी का नजरिया इस यात्रा को लेकर कुछ और ही है। वो इस यात्रा को कांग्रेस की गुटबाजी से जोड़ रही है। अब वो वोट काटते हैं कि वोट बांटते हैं ये कांग्रेस भी समझती है और जनता भी समझती है। जिस तरह के उनके बयान आते हैं वो देश को भी लज्जित करते हैं और उनको सुनकर जनता भी लज्जित होती है। अब उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये कांग्रेस सोचे। जानकारों की माने तो कांग्रेस 2018 वाली ही रणनीति दोहराना चाह रही है। एक तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ बीजेपी से सीधे टक्कर लेंगे तो दूसरी ओर दिग्विजय सिंह संगठन को मजबूत करते दिखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि 2018 की नर्मदा यात्रा जैसा कमाल दिग्विजय सिंह की यह सियासी यात्रा क्या दिखा पाएगी? पंसल न्यूज के सवाल नंबर एक, क्या कांग्रेस 2018 वाला फॉर्मूला ही दोहराना चाह रही है? सवाल नंबर दो, क्या यात्रा के जरिए दिग्विजय का फोकस संगठन को मजबूत करने पर है? सवाल नंबर तीन, क्या नर्मदा यात्रा जैसा कमाल दिग्विजय की सियासी यात्रा कर पाएगी? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है नया फॉर्मूला पुराने दिग्गी। जी हां, कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच पहुंचने के लिए नया फार्मूला तो लेकर आई है, लेकिन पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपनी पुरानी भूमिका में ही नजर आने वाले हैं। वो प्रदेश भर की यात्रा पर निकले हैं। 2018 में उन्होंने नर्मदा यात्रा की थी जिसका फायदा भी खूब मिला, लेकिन सवाल यही, क्या इस यात्रा का फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा? लेकिन दिग्विजय सिंह जब फील्ड पर होते हैं, मैदान में होते हैं, तो भले लोग कुछ भी कहें लेकिन वो नब्ज जानते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि सबसे ज्यादा कार्यकर्ता यदि सीधा किसी से टच में है, सीधा किसी से जुड़ा है, तो वो है दिग्विजय सिंह। ये बात अलग है कि कई दफ़ा वो अपने बयानों के जरिए कुछ मुश्किलें बढ़ाते भी हैं और सामने वाली पार्टी के लिए भी मुश्किल पैदा करते हैं। तो अब होगा क्या उनकी यात्रा से? मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। दिव्या जी, आपका बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद है अजय सिंह यादव जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के, और दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत स्वागत तीनों मेहमान का। सबसे पहले दिनेश जी के पास ही चलूंगा। दिनेश जी, भले दिग्विजय सिंह जी के बारे में कुछ भी कहा जाता रहे, उनके बयानों को लेकर कई बार वो चर्चा में आ जाते, लेकिन 2018 को हम कैसे भूलें? जब जहां जहां से नर्मदा परिक्रमा उनकी गुजरी, नर्मदा यात्रा जब हुई, तो उसका लाभ निश्चित रूप से मिला और सरकार भी बनी, हालांकि उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, कमलनाथ भी थे। पर क्या ये जो यात्रा है, जिस तरह से उनका एक अनुभव है, कार्यकर्ताओं से सीधी पैठ है, कुछ नया कर दिखाएगी फिर से 2023 में? देखिए मनोज जी, कि नर्मदा परिक्रमा ही नहीं, जो उस वक्त 2018 में था, दिग्विजय सिंह ने जो पंगत का था, पंगत में जो संगत की थी उन्होंने, जो उसका बहुत
इफेक्ट हुआ था। अल्टीमेटली जो कांग्रेस की प्रॉब्लम है वो दिग्विजय सिंह समझते हैं, प्रॉब्लम वहाँ की गुटबाजी होती थी। 2018 में उन्होंने उस गुटबाजी को एक गुट में जब कन्वर्ट किया तो 15 साल का वनवास समाप्त हो गया। अब देखिए, अब यदि गुटों के लिहाज से कांग्रेस को देखेंगे तो अभी केवल आपको दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जिसे आप कह सकते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू हैं। कमलनाथ जी यदि अपनी वो भी यात्राएं कर रहे हैं, वो भी हर जगह जिले में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सभाएं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो ग्राउंड वर्क है वो दिग्विजय सिंह के पास है। उसमें कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय के अलावा मुझे लगता है कि वो कैंडिडेट पर भी कुछ ना कुछ फोकस तो कर ही रहे होंगे कि जमीनी स्थिति क्या है, कास्ट इक्वेशन किस तरह के बनने वाले हैं, और इस चीज़ को समझने वाला मैनेजमेंट की दृष्टि से और कोई कांग्रेस पार्टी में है नहीं। आप देखेंगे ना कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी नेताओं के मामले में उतनी संपन्न नहीं है जितनी कि भारतीय जनता पार्टी है, और यही कांग्रेस की बड़ी समस्या है। यदि कांग्रेस किसी तरह से अपने आप को लोगों के बीच में पहुंचा लेती है तो हो सकता है कि ये इस बार 2018 जैसा ही मुकाबले में फिर आ जाए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अजय जी, आखिर है क्या ये दिग्विजय सिंह जी का फार्मूला दिखाई दे रहा है? हालांकि कई बार आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, विपक्ष के निशाने पर रोते हैं, मैं विपक्ष की बात अभी बाद में कर लूंगा, पर है क्या कांग्रेस का फार्मूला? क्या दिग्विजय सिंह पूरे प्रदेश में जाने वाले जैसा दिखाई दे रहा है? आज बैरसिया में थे, गोविंदपुरा में थे, और अब कहाँ की बारी? देखिए मनोज जी, दिग्विजय सिंह जी न केवल कांग्रेस के बल्कि देश के वरिष्ठतम नेता हैं, और मध्य प्रदेश में 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके साथ ही लंबे समय तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी दिग्विजय सिंह जी रहे। इसलिए संगठन, कार्यकर्ताओं और गांव-गांव तक जो पैठ है दिग्विजय सिंह जी की, उसका कोई सानी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व भी नर्मदा यात्रा हो चाहे उसके बाद समन्वय समिति के माध्यम से प्रत्येक जिले में पंगत में संगत और सभी लोगों को एक साथ बिठाकर जो समन्वय बिठाया था उसका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी फायदा हुआ था। और अभी 5-6 महीने से दिग्विजय सिंह जी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे, इसलिए उनके कोई कार्यक्रम 5-6 महीने से नहीं हो पा रहे थे। उसका कारण केवल भारत जोड़ो यात्रा था। अब जबकि भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई है, दिग्विजय सिंह जी वापस मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में आ गए हैं और उनके कार्यक्रम बने हैं और आगे भी लगातार कार्यक्रम बनेंगे। अब इस तरह की कोई यात्रा की तो मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कोई ऐसी यात्रा जारी नहीं की गई है, लेकिन वरिष्ठ नेता हैं, सभी जिलों में हमेशा जाते रहे, तो आगामी दिनों में अपनी उपलब्धता के अनुसार वो सभी जिलों में जाएंगे, पार्टी नेता कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता का भारी रुझान है, नेताओं के जाने से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है और इससे पार्टी को लाभ होगा। ठीक है दिव्या जी, दिग्विजय सिंह वही है जो आप लोगों के निशाने पर हमेशा होते हैं, हालांकि वो अपने बयान के जरिए, पर यह भी सच है कि नर्मदा यात्रा हम नहीं भूलते। 2018 में जब वापसी हुई कांग्रेस की तो उसमें दिग्विजय सिंह जी भी थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जो अब आपके साथ है, कमलनाथ जी भी थे, लेकिन बड़े रणनीतिक तौर पर बढ़े। और भले लोग कुछ भी कहे कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह के बीच में जो बातें आती रहती है राजनीतिक हलकों में वो अलग है, पर यह भी सच है कि अभी मौका ऐसा लगता है जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं और वो मुश्किल बढ़ाएंगे आपकी। मनोज जी, 2-3 बातों का एनालिसिस आपका करना चाहिए। एक तो ये कि कमलनाथ जी ने एक बार ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दिए थे हाई कमांड को कि दिग्विजय सिंह जी यहाँ नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक मियादी में दो तलवारें नहीं रह सकती। अजय जी सुन लीजिए एक बात। अजय जी पहले बोल लेने दीजिए ना, आप बोलिए। नहीं नहीं, वो तो एक शब्द भी नहीं बोला। नहीं, वो उन्होंने आप इशारा, ठीक है आप बोलिए दिव्या जी आप। ठीक है, दूसरी बात, दिग्विजय सिंह जी की वापसी होती है मध्य प्रदेश में इसलिए कि शायद उनको प्रतिसाद मिला हो राहुल जी की यात्रा के साथ। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिन जगहों का जिन जिलों का उनको दौरा करने के लिए कहा गया है वो शायद कांग्रेस के वीक जिले हैं, यानी ये कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का परचम ऑलरेडी है। अगर वहां पे हारते हैं दिग्विजय सिंह जी के बावजूद तो ठीकरा फोड़ने के लिए कोई तो चाहिए, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी खुद मानते हैं कि मेरे कुछ ऐसे वक्तव्य हुए जिनसे कांग्रेस को ही मुश्किल हो जाती है, वो खुद ऐसे मानते हैं, वो खुद ऐसे बोल चुके हैं। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात,
ये कोई बहुत छुपाने वाली बात नहीं है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दो अलग अलग पावर सेंटर्स हैं। अभी तक कांग्रेस ये बोलती आई कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम ऐसा ऐसा करेंगे। मान लीजिए अब दिग्विजय सिंह जी की एंट्री होती है तो फिर कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित नजर आएगी, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपका पावर सेंटर है कौन, दिग्विजय सिंह जी है या कमलनाथ जी है, और फिर वो जो विभाजन है वो फसाद की जड़ बनेगा। जी जी, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमारे लिए दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इसको दिलचस्पी से ऑब्जर्व करते हैं दूर बैठे। कांग्रेस जाने, उनका काम जाने, उनको अपनी जो भी उनकी कार्यशैली हो वो कार्यशैली उनको मुबारक हो। लेकिन बीजेपी क्या जान रही है, खूबसूरती यही है बीजेपी तो यही सब चलते रहना चाहिए। मुश्किलें तो बीजेपी की बढ़ाएंगे जी, मुश्किलें तो बीजेपी की बढ़ाएंगे वो। नहीं, मुश्किलें उनकी खुद की बढ़ेंगी सर। मजेदार बात ये होने वाली मनोज भाई जी, मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ेंगी क्योंकि एक कार्यक्रम होता है जिसमें दो कुर्सियां लगी हुई होती, कमलनाथ जी की भी और दिग्विजय सिंह जी की भी। यदि दिग्विजय सिंह जी होते तो कमलनाथ जी नदारद होते, यदि कमलनाथ जी होते तो दिग्विजय सिंह जी नदारद होते। तो ये तो बहुत आम हमने ये तस्वीरें देखी है, और ये पुरानी तस्वीरें आपने भी देखी है, हमने भी देखी है। नहीं, लेकिन नई तस्वीर बनने वाली है, सब हम जानते हैं, और यही जानते हुए अब चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अभी तक दिग्विजय सिंह की एंट्री नहीं थी, अब एंट्री हुई है तो बहुत मजा आएगा कांग्रेस को देखने में। चलिए, आप कांग्रेस को देखने मजा आएगा या कांग्रेस की जगह बीजेपी को भी मजा आएगा। अजय जी कुछ कह रहे थे, आप कह दीजिए अपनी बात। दिनेश जी देखिए, मनोज जी, दिव्या जी की बातों में ऐसी दिशाहीनता दिखी जिनका कहीं कोई सिर पैर नहीं है। हाई कमान से कह दिया मुझे दिग्विजय सिंह जी नहीं चाहिए, और दिग्विजय सिंह जी को कमजोर जिले दे दिए गए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे बताइए कौन कौन से जिले में जाने वाले हैं दिग्विजय सिंह जी। दिव्या जी, हमें तो जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी हो आप बता दीजिए आगामी कार्यक्रम कौन से जिले के बने हैं जो कमजोर जिले हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में आगे का कोई कार्यक्रम नहीं है। केवल और केवल दिशाहीन मनगढ़ंत बातें करके इस तरह से बात रखना कहीं सही नहीं बनती है। और दिग्विजय सिंह जी लगातार कमलनाथ जी के नेतृत्व को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, स्वयं कहते हैं कमलनाथ जी हमारा चेहरा है, तो कैसी गुटबाजी, कैसा विभाजन जब एक ही चेहरा एक ही नाम है, तो केवल और केवल दिशा। चलिए, मैं इस पर एक छोटी सी टिप्पणी ले लेता हूँ, फिर आपसे मेरा सवाल रहेगा दिनेश जी के बाद। जी जी, दिव्या जी कुछ कह रही है आप? हेलो जी, दिग्विजय सिंह जी ऊंट की चाल चलने में माहिर है, वो ढाई कदम आगे और डेढ़ कदम पीछे चलने वाले। दिव्या जी, आगामी कार्यक्रम तो बता दीजिए, उनका कमजोर जिले कौन से हैं? सर, ये आप ही के पार्टी के, आप ही कह रही हैं कमजोर जिलों में जाने वाले, हमें तो जानकारी भी नहीं है, आप बता दीजिए। अरे, आपने कहा कि ऐसा कोई कार्यक्रम है जो कमजोर जिले हैं, हमें तो जानकारी नहीं है। प्लीज, तथ्यहीन बात मत करिए, सही तथ्यों पर बात करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप तथ्य रख दीजिएगा अजय जी। मेरा मनोज जी, मेरा निवेदन ये है कि दिग्विजय सिंह जी जो कथनी और करनी में बहुत अंतर रखने वाले व्यक्ति हैं, वो कहते कुछ है और चाल कुछ और चलते, इसलिए अगर वो कहते भी होंगे कि कमलनाथ जी मेरे नेता है, लेकिन क्या होने वाला है ये आप और हम सब जानते हैं। मैं दिनेश जी से समझता हूँ ये बात, बाकी जहां तक मुझे लगता है कि कथनी और करनी में वो खासकर बीजेपी के लिए तो वही है, जो कहते हैं वो करते भी बार बार दिनेश जी। लेकिन एक बात जरूर दिखाई दे रही कि उन्होंने जहां से यात्रा शुरुआत कर रहे हैं वो वही बैरसिया है, भोपाल है, जहाँ से लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा, तो क्या लोकसभा चुनाव की टीस भी इसमें कहीं दिखाई देती कि ठीक है पहले इसी को समझ लेता हूँ और अगला 2024, हालांकि हम 23 की बात कर रहे हैं, पर यह भी सच है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी, आपने जैसा कहा कि एक सिक्के के दो पहलू है, आगे चलकर दोनों उम्र के भी उस पड़ाव पर है कि ये चुनाव वो है कि जिसमें करो या मरो जैसी स्थितियाँ हैं, और इसीलिए वापस जो दिल्ली की तरफ चर्चा चल पड़ी थी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो कर रहे थे, क्या दिग्विजय सिंह जी वापस आएंगे, लेकिन अचानक लाना और लॉन्चिंग कर देना, इसमें कुछ तो है नहीं। ये लॉन्चिंग का जो विषय तो मुझे नहीं लगता मनोज जी, कोई लॉन्चिंग कर रहे हैं, और लॉन्चिंग का विषय जब होता है तो एक बड़े तो स्तर पर होता है, क्योंकि पिछली बार जब उनको एक समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, इस बार कोई उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि वो यात्रा कर रहे होंगे। देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी हैं वो भी जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी यदि ग्राउंड पर जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, तो इस पर चुनाव का क्या असर होता है। अब देखिए कि 2003 की जो परिस्थितियां थी उसमें दिग्विजय सिंह एक चेहरा थे और
बाद में उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने कई चुनावों में उठाया। 8 का चुनाव देखिए आप, 13 का चुनाव देखिए, जहां दिग्विजय सिंह कोई इस तरह से नहीं गए कभी आपकी जो है जो हर विधानसभा क्षेत्र या जिले में वो जाने की कोई तैयारी कर रहे हैं या नर्मदा की जो परिक्रमा थी उस तरह का नहीं था। उन्होंने ग्राउंड पर गए तो कार्यकर्ताओं में एक स्थिति तो पैदा की कि वो सेबोटाज ना हो, जो कांग्रेस जिसके लिए बदनाम है कि जिसको टिकट नहीं मिलता वो दूसरे गुट के आदमी को निपटाने में लग जाती है। और एक बड़ा अंतर 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उसको काफ़ी हद तक पूरा किया था। और आज जो उसकी कांग्रेस पार्टी की जब दौड़ चालू होगी तो वो 2018 से बेहतर स्थिति में है, और इस बात को कमलनाथ जी भी जानते हैं और दूसरे नेता भी जानते हैं कि दिग्विजय सिंह के बगैर ये चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। आप इसे लॉन्चिंग कहें या कुछ भी कहें, क्योंकि दिग्विजय सिंह को किनारे लगाने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई दूसरा नेता नहीं है जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में समन्वय बिठा सके। दिव्या जी कह रही मजा आएगा चुनाव में, नहीं स्वाभाविक है क्योंकि देखिए दिग्विजय सिंह जी के जो बयान होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को मुद्दा बनाती है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आप देखिए कोई उनका बयान नहीं आया। वो लोकसभा चुनाव में जो भोपाल में लोकसभा का चुनाव था वो एक अलग तरह का चुनाव हो जाता है। भोपाल की जो तासीर समझते हैं वो जानते हैं कि आप यहाँ दिग्विजय सिंह नहीं किसी को भी खड़ा कर दीजिए, यदि वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है या उस तरह का नहीं है तो उसको वही होता परिणाम मिलता जो दिग्विजय सिंह जी को मिला था। अजय जी जो आप बात कर रहे थे बार बार, हालांकि कई बार इस मुद्दे पर चर्चा हुई है कि दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली तो उसमें भी कई ऐसे मुद्दे हैं, अंदर खाने से ऐसी कई खबरें आती रही कि बड़ा गड़बड़ चल रहा है कांग्रेस के भीतर। अब जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो फिर दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। वो दिल्ली से जैसा आपने भी कहा भारत जोड़ो यात्रा उनकी पूरी हो गई, फिर से सेकंड भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली, हो सकता है कि इस बार वहाँ दिखाई ना दे जैसी चर्चा है, लेकिन क्या ये माना जाए कि जो बयान उनके आते हैं उससे आप लोग की मुश्किलें बढ़ी भी है कई दफ़ा, और भारतीय जनता पार्टी इसी को अपना हथियार बना लेती है? देखिए मनोज जी, भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में जिस तरह की अपार सफलता मिली उसके लिए कहीं कोई अगर मगर का सवाल नहीं उठता है। लाखों लोग सड़कों पर निकले जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, प्रदेश के आम जन थे, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह और पूरी पार्टी ने एकजुट होकर काम किया और उसका जनता का भारी जनसमर्थन दिखाई भी दिया। अब आने वाले समय में भाजपा के नेता दिग्विजय सिंह जी की चिंता छोड़कर एक और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, जिनकी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर नहीं है, पूरी तरह से आपकी सरकार के खिलाफ उतरी हुई हैं, बगावत कर रही हैं, यहाँ तक कि चुनौती दे रही हैं कि मैं वो करूँगी जो मिसाल बनेगी, तो अपनी पार्टी को संभाल लें, अपना घर संभाल लें। दिग्विजय सिंह जी के संगठन कौशल को सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं तो ये भी सबने देखा है। 1992 में प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में 93 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 2018 में समन्वय समिति की जिम्मेदारी दी वो उन्होंने मजबूती से उठाई, और अब जो आगामी जिम्मेदारी उनके पास आ रही है, भाजपा में भय है, भाजपा दिग्विजय सिंह जी के नाम से डरती है क्योंकि उनके पास ऐसा संगठन का तोड़ नहीं है जो दिग्विजय सिंह जी का तोड़ निकाल सके, इसलिए केवल और केवल भ्रम, झूठ, मनगढ़ंत, एक म्यान में दो तलवार, चार तलवार, कमजोर जिले, हाईकमान से कह दिया, केवल और केवल झूठ की चाशनी में डूबी हुई भाजपा है। अंदर की बातें तो आप भी बेहतर समझते हैं। मनोज जी मैंने स्पष्ट कहा कांग्रेस पार्टी में सब कुछ सामने है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट है, दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए मैदान में हैं और सभी वरिष्ठ नेता मैदान में हैं। आगामी दिनों में तो हमारे केंद्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी के भी कार्यक्रम प्रदेश में बनने वाले हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी देखती जाए ये हवा आंधी में बदलने वाली है। जी आंधी आएगी दिव्या जी, आप चिंता मत करिए, और वो इस बार संगठन बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हमारा सीधा सामना है और वही मंडल, वही सेक्टर जिस पर आज से उन्होंने काम शुरू कर दिया। मनोज जी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमने सुना था, उसका क्या हुआ पता नहीं, चल रहा है, ऐसे हाथ जुड़ गए, लोगों ने बोला क्षमा चाहते हैं साहब, क्षमा कर दीजिए हमें, और कई जगह से विकास यात्रा में भी हाथ विकास यात्रा में तो बच्चे और असली डांस करवाए गए। अजय जी, जी मैंने आपका सवाल कर लिया, विरोधाभासी बातें करेंगे तो बहुत सारी चीजें बताना पड़ जाएंगी। जी जी जी, मंत्री गाली गलौज कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। अजय जी सुन लीजिए, दिव्या जी जी बोलिए, दिव्या जी बोलिए। दिग्विजय सिंह जी ऊपर से आरोपित हुए हैं ये हम सब जानते हैं,
लास्ट मोमेंट एंट्री हो रही है उनकी। किस चीज के लिए आरोपित हुए मनोज जी, मैं सुन नहीं पाया। मनोज जी गंभीर आरोपित कहा, आरोपित कहा, आरोपित हो गए दिग्विजय सिंह? नहीं नहीं, शब्द क्या है, आरोपित है या कुछ है और? आपने आरोपित बोला, जी बोलिएगा। चलिए मैं दिव्या जी ठीक हो जाए, जरा अपना ठीक करिएगा, आप मैं लौट रहा हूँ आपकी तरफ। जब तक दिनेश जी से समझ लेता हूँ, शायद सही शब्द मिल जाए आपको। नहीं नहीं वो नहीं सर, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। बोलिएगा बोलिएगा, आवाज आ रही है बराबर? हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ सो दिग्विजय सिंह के ट्रांसप्लांट किए जाते, अब इस बात को लेके फिर दिलचस्पी होगी कि एक बार आप बोल रहे राहुल गांधी जी आने वाले, फिर खड़गे जी आने वाले। खड़गे जी अपने स्टेटमेंट्स के कारण कांग्रेस को कितनी मुसीबत में डालते हैं वो भी आप जानते हैं। आपको इस बात को लेके बड़ा भ्रम है कि ये सब होने से बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये दो बुजुर्ग नेताओं की डू और डाई सिचुएशन है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि आपके नीचे के सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप इन दोनों को मानने से इनकार करती है। अरुण सिंह जी कुछ और बोलते हैं, अरुण सिंह जी नहीं है, अरुण यादव जी हैं। अजय सिंह जी कुछ और बोलते हैं, ये तो पटवारी कुछ और बोलते हैं जी। आपके अध्यक्ष जी को कोई मानने को तैयार नहीं है। चलिए 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 दिव्या जी, ये तो समझ आ जाएगा कि कौन किसकी बात कितनी मानता है, लेकिन दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता है जो भले आप ना माने कि सर्वमान है, पर जनता के बीच में या खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में एक अलग तरह की अपनी पैठ रखते हैं। उसका लाभ यानी नफा और नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन फायदा खासकर जमीनी स्तर पर ज़्यादा दिखाई देता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, अजय जी, दिव्या जी और दिनेश जी। लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की भी वापसी एक तरह से कहा जाए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जरूर कुछ बातें ऐसी चली थी, लेकिन एक नए रूप में वो निकलने वाले हैं, एक नए फार्मूला के साथ समझ आएगा। लेकिन मुद्दा यही है कि कैसे भी कर 2023 का चुनाव जीता जाए, क्योंकि ये वर्ष वैसा है कांग्रेस के लिए भी और इन नेताओं के लिए भी। करो या मरो, होगा क्या नजर आएगा, नया फार्मूला, पुराने दिग्गी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, हत्या पर हल्ला बोल। नमस्कार।